देखिए, आपको एक घर नजर आएगा और उस घर में सब कुछ बिखरा हुआ नजर आएगा। थोड़ा नजदीक से दिखाइए और हम ये तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि किस तरीके से हजारीबाग में लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी ये तस्वीर है। आपको बता दें, ये जुएल मोड़ सियारी है। सियारी एक जगह है, वहां पर है और घर के भी लोग हैं। और ये और थोड़ी तकलीफ देने वाली घटना इसलिए है कि जो शख्स हमारे सामने आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहले बता दें ये आर्मी में है और इनके पिता का देहांत हुआ है कुछ दिन पहले। और पिता के देहांत की वजह से ये श्राद्ध क्रम में घर गए हुए थे, अपने गांव गए हुए थे, बरकट्ठा के रहने वाले। उसके बाद जब ये घर आते हैं, वापस अपने इस घर हजारीबाग में आते हैं, तो पता चलता है कि ये स्थिति बनी है। हर तरीके से पूरे घर को खंगाला गया है। पूरे घर को खंगाल खंगाल कर चोरों ने जो कुछ भी था यहां पर, इनके पैसे जेवरात सब कुछ ये यहां से लेकर चले गए हैं। ये चंदन, एक बार आप अंदर जाइए और अंदर की भी तस्वीर दिखाइए, ठीक है? आपको हम बताना चाहेंगे, जो बातें हुई हैं उन बातों के हिसाब से 10 लाख, इसके बाद में नहीं, 10 लाख की टोटल संपत्ति गई है, जिसमें जेवरात है, काफी जेवरात गया है और कैश भी गया है। आप देखिए किस तरीके से ये पूरा घर बिखरा हुआ आपको नजर, आराम आराम से घुमा रहा, आराम से ये पूरा घर बिखरा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से चोर अंदर घुसे हैं, वो भी दिखाएंगे, और जो इस घर के मालिक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। महिलाएं हैं, वो स्थिति जो पिता के जाने के बाद जो स्थिति है घर की, आप समझ ही सकते हैं। पिता जब इस दुनिया में नहीं है तो वो एक पीड़ा, तो उस पीड़ा से बड़ी पीड़ा कुछ नहीं हो सकती। उसके बाद जब ये घर पर आए हैं तो घर पे ये देखना पड़ रहा है। ये आपको बता दें, पिछले 10 से 12 दिनों में मैं ये तीसरी कवर कर रहा हूं, जिसमें लगातार हजारीबाग में इस तरीके की घटनाएं मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था एक मुन्नी ज्वेलर्स जो हुड़ुड़ू मेन चौक पर है, वहां सब कुछ चोर लेकर जाते हैं, सारे जेवरात लेकर चले जाते हैं, 10 से 15 लाख। अब ये घर की स्थिति देख रहे हैं, ये घर की स्थिति देख रहे हैं ना, ये हम उस कमरे में हैं जहां सब कुछ, यहाँ सब कुछ उलट पुलट किया गया है। पूरा सर, पूरा उलट कर दिया गया, पूरा एक एक बक्से को सर इतना तसल्ली पूर्वक बैठ के किया है सर, यहाँ तक आराम से मेरे को लगता है कि सर रात भर बैठ के सर चोरी किया है, तो आराम इत्मीनान से, इत्मीनान से। मतलब सर कितने दिन तक घर आपका बंद था? सर ये घर मोस्टली सर पांचवा दिन बंद था सर, पांचवा दिन बंद था। 19 तारीख को मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। ये तो किसी पड़ोसी को भी नहीं पता चला था कि चोरी हुआ है? नहीं सर, कोई पड़ोसी नहीं बताया सर। आज हम लोग घर को थोड़ा साफ सफाई करने के लिए आए हुए थे, घर की साफ सफाई करने के लिए आए थे, तो सर देखा जैसे मेरा भाई इंटर हुआ सर रूम के अंदर, सीधा बाहर निकला, बोला भैया पूरा सामान चोरी हो गया है घर का, पूरा एक एक चीज। वो भी मेरा भाई भी, छोटा वाला भाई भी मेरा आर्मी में है। मतलब इसकी भी जानकारी आपको नहीं होगी कि आखिर चोरी किस दिन हुआ होगा? नहीं सर, ये भी नहीं, क्योंकि 6 दिन से आप बोल रहे हैं बंद था ये। नहीं सर, एक्चुअली में सर मेरे को लग रहा है कि ये आज एक रिसेंटली लास्ट 2 दिन के अंदर किया है, क्योंकि बाथरूम का जो पानी है सर आराम भीगा हुआ, मेरे को लगता है इधर से रात भर रहा, बाथरूम वाथरूम सब किया बाथरूम के अंदर। मतलब चोर इतने इत्मीनान से हैं कि जो बता रहे हैं, जो घर की स्थिति है जो दिख रही है, हर एक चीज, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं थी, आराम से कि एक एक चीज ढूंढेंगे। आप देखिए ना, ये हम और भी कमरे आपको दिखाएंगे, और भी कमरे की तलाशी ली गई है, हर कमरे की तलाशी हर ली गई। एक कमरे सर, यहाँ तक कि सर जो बच्चे की सर जो अपना जो थोड़ा बहुत पूंजी जमा करते हैं सर, बच्चे लोग जो जो चुक्का बोलते हैं, हाँ चुक्का बोलते हैं सर, वो चुक्का को सर फोड़ के लगे, इतने सर निर्लज थे सर वो बंदे। मतलब बच्चे का जो चुक्का था उससे भी पैसा निकाला गया, उसको भी फोड़ के निकाल लिया गया। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। क्या हुआ? मेरा नाम सर जितेंद्र कुमार यादव है, मैं यहाँ हम लोग घर बनाए हुए हैं सर, मतलब लगभग 10 साल हो गया हम लोग यहाँ पर रहते रहते, 10-15 साल यहाँ पर रह रहे हैं। फिर पिछले हम लोग सर जेल मोड़ पे रहते थे, कि हमारे फादर जेल में पुलिस थे, वहाँ पे ड्यूटी करते थे, तो वहाँ जेल का कैंपस था, हम लोग वहीं यहीं से पढ़ाई लिखाई किए हैं, हजारीबाग से। पूरा आर्मी मैन है, आर्मी में हम लोग दोनों भाई अभी सर हैं, सर्व कर रहे हैं सर। आइए हम और दूसरे कैमरे को भी देखेंगे। देखिए जो स्थिति है ना, कि जो हजारीबाग में जो व्यवस्था का जो आलम है, किस तरीके से चोरों का हिम्मत बढ़ा हुआ है कि हर एक कमरा को ढूंढते हैं, यानी कि कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, इत्मीनान से चोरी करते हैं। ये देखिए एक कमरा और है, ये देखिए इस कमरे में भी हर कुछ तलाशा गया है, ढूंढा गया, हर एक बक्सा खोला गया, हर एक बक्सा खोला गया। आप नजदीक आइए, हर एक बक्सा खोला गया, ये दिखाइए बक्सा, दिखाइए चंदन, दिखाइए, ये हर कुछ खोला गया है। कितना कमरा है, कितना रूम है घर में? चार चार रूम है सर, चार सब सबको तलाशी लिया गया। सबका तलाशी सर, जितने बक्से थे पूरे तोड़े गए हैं सर बक्से। हाँ, पूरे बक्से पर सर, बक्से टूटा हुआ देखिए सर, एकदम यहाँ पर ताला लगा हुआ था बक्से के ऊपर, यहाँ पर ताला, इसका सर फ्रेम टेढ़ा करके निकाल लिया सर।
ये तो बहुत बेसिक बेसिक है, बक्सा का ताला में तो छोटा लगाए होंगे, जब आपके घर में घुस गया तो बाहर तो कुछ व्यवस्था बढ़िया होगा, जी उसको भी सर तोड़ दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया सर। पीछे के रास्ते से आए, पीछे के रास्ते से आए। आप इंतजार करिए, हम पीछे का रास्ता भी आपको दिखाएंगे कि चोर किस तरीके से यहाँ पर पूरे हजारीबाग में उत्पात मचा के रखे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अब हजारीबाग के लोग किस तरीके से अपने घर की हिफाजत करेंगे, दुकान की हिफाजत करेंगे। क्या दुकान में 24 घंटे व्यक्ति को रहना होगा? क्योंकि जब दुकान बंद करके जाते हैं तो पता चलता है सुबह होता है तो सब कुछ वो लेकर चले जाते हैं, घर छोड़कर अगर आदमी जाता है तो चोरी हो जाती है। जी सर, घर छोड़ के गया तभी चोरी, घर छोड़ के गए थे सर, लाजमी है सर कि अगर पिता की मौत हो जाती है तो सर, पिता की मौत हो जाती है तो सर पूरा सर घर हड़बड़ाहट में बंद करके चले जाती है सर। सर क्या क्या चला गया आप वो बताइए, क्या क्या घर से? हमारे सर 3 बहू हैं सर, 3 बहू के सर जितने भी जेवरात सर उनको मिले थे मैरिज के टाइम में, उनका नेकलेस चला गया सर, तीनों का नेकलेस यहीं पे रखा हुआ था, गले में पहनने का हार चला गया, गले का पहनने का हार चला गया सर, वो यहीं रखे थे जी सर, और जो उसका सर जो मांग टीका वगैरह जो भी होता है वो सब चले गए सर, पायल थे सर दुल्हन पायल वगैरह वो सब चले गए पूरे सर। कैश भी रखे थे? कैश थे सर, मम्मी का कैश रखा हुआ था लगभग 30 से 35 थाउजेंड के लगभग में कैश भी रखे थे, कैश वगैरह सब मिला के 10 लाख रुपए का, जी सर 10 लाख रुपए का सर लॉस हो गया सर। ये देखिए ये यही बच्चे का ये चुका है, ये बच्चे का चुका, ये देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। ये जो कह रहे थे कि इतने निर्दयी हैं, इतने निर्लज हैं कि बच्चों का चुका भी नहीं छोड़ा है उसमें। बच्चे जो कोई भी घर के बच्चे होते हैं जो अपना पैसा जमा करते हैं, जो माता पिता देते हैं 5 रुपये 2 रुपये 10 रुपये, इस रोड से सर तोड़ के आराम से बैठ के गिनती करके ले गया सर, गिनती करके ले गया जी सर। कितना का चोरी हो गया आपके यहाँ पर? सब सारा जेवर चला गया? हाँ सर, मेरा सब चीज जो मेरा शादी में जितना गहना जेवर मिला था, चैन था, नेकलेस था, दुल्हन पायल था, बिछिया था, हाथ का जो कंगन जो सोना का होता है उला था, सारा मेरा चला गया। और मेरा बक्सा में पैसा भी था सर, मेरा रूम ये वाला दिखाइए, दो दो बक्से मेरे कमरे में है, सारे का ताला टूट गया है। दिखाइएगा तो बक्सा अभी हम छुइएगा नहीं, अभी छुइएगा नहीं, खाली हमको बताइएगा दूर से। क्या प्रशासन बोला कि टच वच अभी नहीं करिएगा? प्रशासन सर आवेदन देने के बाद बोला है सर आप टच कर लो सर, टच करने बोला है वो? हाँ जी सर। अरे भैया तो फिर फिंगर प्रिंट लेना हो कुछ नहीं बोला गया सर? नहीं बोला सर, बोला कि आप हम ये सब बक्सा तो अभी हम लोग देखिए, सब बक्सा पूरा खुला हुआ था, पूरा खुला हुआ जी सर। अब मेरा जितना मतलब गहना जेवर जितना था सारा मैं इसमें था सर, इसमें जेवर था जी सर, गले का हार। हाँ, और मेरे बच्चे लोग भी 3 गो, उन लोग का भी गला में थोड़ा थोड़ा का जो छोटा छोटा चेन आता है, रस्सी में लगा हुआ जो रहता है छोटा छोटा सा ताबीज, हनुमान जी का, हनुमान जी का बोला। हाँ का जो बना के रखते हैं वो, जी वो जी, मेरे 3 बच्चे थे, उन लोगों का तीनों का था सर सारा, एक भी कुछ नहीं बिखरा, सब बिखरा पड़ा कुछ नहीं। एक तो पहले से आफत आया कि घर के जो 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 मुखिया हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, चले गए। पापा का भी चैन था, वो भी नहीं है। देखिए घर का हालत देखिए, पूरा घर बिखरा हुआ है, ये सब निकाला हुआ है अंदर बक्से से निकाला हुआ? कैसे सर? सर देखिए सर, सर चीज निकाल के देखा सर, देखिए ताला टूटा हुआ मिलेगा कहाँ, पैसा मिलेगा, एक एक चीज निकाला गया है जी सर। दोनों बक्से मेरा खुला हुआ है इसी तरह से, देखिए सब टूटा हुआ है, ताला दोनों में मेरा ताला लगा हुआ था सर। आप लोग इससे पहले घर छोड़ के कभी नहीं गए? नहीं, एक वही पापा रहते थे और हम लोग गांव जाते थे, फिर आते थे, फिर पापा कभी अपना काम से कहीं जाते थे तो आप लोग नहीं छोड़े? नहीं, ये पहली बार छोड़े और चोरी हो गया जी सर, यही है इसका मतलब? जी सर, मुसीबत आ गया था इसीलिए हम लोग छोड़े सर। ठीक है, अब मेरे पास जरा से भी कोई जेवर नहीं रह गया सर, सारा चला गया, सारा जेवर चला चला जी। देखिए कितनी मारमत करने वाली बात है। एक रुपए करके मेरे बच्चे लोग 1-1 रुपए करके चूका में जमा करता था पैसा, उसमें भी लगता लगभग नहीं हो तो 20,000 का होगा उसमें, बच्चा 10, 50, 100, 500 का सर, 1-1 रुपए करके मेरे बच्चे लोग इकट्ठा करके पैसा रखे थे, सारा चला गया सर। मतलब वो बच्चे लोगों को जब भी आए आप तो कुछ पैसा दे दिए, या घर के लोग कोई भी आए तो पैसा दे दिए? छोटा बच्चा कहाँ है आपका, है यहाँ? नहीं सर, बच्चे तो गाँव में है सर, अभी केवल हम लोग, आप लोग आए थे कि मतलब जो है साफ सफाई करेंगे सर, जल गंगा जल वगैरह छिड़क के फिर हम लोग जाएंगे वापस घर में। आप लोग आए उसके बाद आप लोग को पता चलता है कि चोरी हो गया? जी सर। ये दिखाइए किधर से किस रास्ते से चोर आए थे, और भी कोई रूम है आपका? यही रूम है ना, सब रूम हम लोग देख लिए ना जी सर। ये सर भगवान के यहाँ रखा हुआ था, मतलब जो ये जो चूका रखा हुआ था पूजा रूम में रखा हुआ था सर, उसको सर उठा के ले गए इस रूम में से निकाले, एक बार दिखा दिए, इस रूम में से मतलब बच्चे का चूका इसमें रखा हुआ जी सर, यहाँ से निकाल कर ले गया जी सर। देखिए क्या स्थिति है पूरे हजारीबाग में, ये देखिए कितने इत्मीनान से चोरी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये बच्चों का चुक्का है, जिसमें बच्चों का आप बैंक भी बोल सकते हैं, हर एक बच्चा, और घर वाले या फिर कोई मेहमान आ गए
तो जो पैसा उनको मिलता है तो बड़े बेचारे प्यार से रखते हैं कि कोई सामान खरीदना है, कोई साइकिल खरीदना है, कोई चीज वो दिमाग में सोच के रखते हैं उसके लिए पैसा जमा करते हैं। तो इन पैसे को भी नहीं छोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि सामने फूटा हुआ चुक्का बच्चे का दिख रहा है, शायद दो दो चुक्का था, कितना था, दो चुक्का था। 10 साल की मेरी बच्ची है, अपना पूरा लाड़ प्यार से सब चीज को इति करती थी, रखती थी इसमें कि हम बड़े हो जाएंगे अपना शादी में कोई चीज हम अपना सामान खरीदेंगे मम्मी, ऐसे बोलती थी। अरे 1-1 रुपया करके सब इकट्ठा करके रखती थी। लगभग 20,000 होगा सर इसमें, 20,000 रुपया। हाँ लगभग, मतलब जमा के देखी थी कि कितना है कि नहीं है, लेकिन लगता था 20+ भी हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं था। मतलब बहुत इत्मीनान से, मतलब कोई अंदाजा भी आप लोग को नहीं है, कोई पड़ोसी से कोई जानकारी नहीं मिला आप लोग को कि क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया सर। हम लोग यहाँ इंटर होने के बाद ही पता चला सर ऐसे ऐसे हो रखा है सर। ये आपका इधर से ये रास्ता है, ये प्रवेश करने का, एंट्री करने का ये रास्ता है आपका, ये मेन रास्ता है। आपको हम बताना चाहेंगे ये इनके ये मेन रोड है, देखिए मेन रोड है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये मेन रोड है, जेल मोड़ बोलते हैं इसको, जेल मोड़ बोलते हैं, और ये मेन रोड है। और यहाँ से आप देखिए इनका ये घर का ये गेट है, मेन गेट है। लेकिन आपको बता दें चोर जो आए हैं इस गेट से नहीं आए, हम आपको पीछे का रास्ता दिखाएंगे जहां से वो आए हैं। आप नजदीक आइए भाई, आप नजदीक आइए, आपको नजदीक रहना है। आइए हम पीछे का रास्ता दिखाइए जिधर से चोर आए हैं घुसे हैं। ये मतलब है कि इसी से घुसे अंदर में, घुसे इसी गेट से सर अंदर हुए हैं सर। कहाँ है ताला दिखाइए। ये सामने ताला था सर, वो सामने ताला तोड़ दिया। ये ताला तोड़ा गया जी सर। अरे प्लास्टिक लगा हुआ था, ये फाड़ा भी गया सर। जो गेट में सर वो एयर घुसने के लिए जो टाइट कर रखे थे इसको पहले स्थिर से फाड़ा, उसके बाद सर एग्जैक्ट है कि सर वो बंदा सर पूरा घर के बारे में जानता है। मतलब इसका शक है आपको इस बात का कि पूरा की जानकारी सर जो घर के अंदर कभी आया होगा उसी को पता है सर कि कैसे ताला लगा हुआ होगा, कैसे क्या नहीं है सर। वही बंदा कोई किया होगा सर, कैसे अननोन पर्सन कैसे आके सीधा सर हाथ मारेगा कि इसी साइड में ताला होगा, ताला तोड़ दिया, काट दिया इसमें से। अच्छा, इसमें ये लगा हुआ इसमें कैसे गया सर? अंदर से जाके, अंदर से लॉक था ये वाला ताला। ये तो आउटर हो गया सर, इनर ये था, ये इसमें ताला लगा हुआ था इस जगह। ठीक है, हम समझ गए कि ये इधर से तो आपने प्रोटेक्शन रखा है। इधर दिखाइए इस साइड से आपने प्रोटेक्शन रखा है, यहाँ पे रखा है आपने कि हाथ डाल के कोई नहीं खोल सकता है। जी सर, नीचे से डाल के कोई सरसी वरसी डाल के उसको घुमा के हाँ सर, किसी से दिमाग लगा के सर थोड़ा सर तोड़ दिया। ठीक है, मतलब आपका ये शक है कि कोई जानकार आदमी ही किया है। जी सर उसका जो फाइल है तोड़ने वाला, ताला तोड़ने वाला फाइल है, वो बाहर फेंका हुआ सर। ये आप पीछे का रास्ता हमको दिखाइए जिधर से चोर आए। जी सर, आपने ये प्रोटेक्शन के लिए ये भी रखा है जाली? नहीं सर, प्रोटेक्शन के लिए पूरा सर, ये कोई तड़पे नहीं था। जी सर, ये प्रोटेक्शन पूरा किया हुआ था सर, लेकिन ये जो बैक गेट था बाथरूम के साथ में सर, ये इधर से हमने रखा था कि कोई पाइप वगैरह कभी क्लियरिंग वगैरह कराने की जरूरत पड़ जाएगा तो सर, इसलिए हमने इसको रखा था। ये पीछे का रास्ता है ना? जी सर यहाँ ताला एक लटका होगा। जी सर, ताला सर इधर तोड़ के फेंक दिया सर, वो ताला, ये ताला है, ये ताला टूटा हुआ ताला। जी सर, जी सर इधर से ही आया। एक बार पीछे का रास्ता, ये पीछे पूरा खुला हुआ है, ओपन है, खुला हुआ है सर। यहाँ उनके पैरों के निशान भी हैं सर। आप अंदर जाएंगे ना सर, ठीक यहाँ पे से चढ़ेंगे, पैरों के निशान है सर, जो बच्चा लोग जो चढ़ा है, कोई चढ़ा है उसका निशान है। हाँ जी सर, ये पूरा ये ओपन एरिया है। जी सर, आराम से ये पूरा ओपन एरिया है। मतलब किधर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं सर, इसका कोई, ये वो मेन रोड है जो निकल जाता है आपका सिंदूर की तरफ निकल जाता है। जी सर, और इसी रास्ते में आराम से, मतलब बाउंड्री चढ़े, इसके ऊपर चढ़े, और पीछे का दाग लगा हुआ है इसमें, देखे दाग लगा हुआ, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दाग दिख जाएगा इससे, वो दाग दिख रहा है ना, वो वही पैरों के दाग। आप प्रशासन के पास गए? जी सर, प्रशासन ने क्या बोला आपको जब गए हैं तो? थाने में आवेदन आपने दे दिया? आवेदन दे दिया सर, बोले कि आए थे एक बार छानबीन करने आए थे, मतलब कि पुलिस यहाँ आई, देख के गई सर, बोले कि वापस आप थाना पहुंचिए। वहाँ गए तो सर थाना प्रभारी जी से भी मिले, वो बोले कि आज आपका रजिस्टर कर दिया जाएगा फाइल को,
फिर बोले कि फिर देखते हैं एक दो दिन में इन्वेस्टिगेशन करके। ये देखिए बहुत दुखद घटना है उस घर में जहां पिता अब इस दुनिया में नहीं है और पिता के श्राद्ध कर्म के लिए ही ये जो तमाम घर वाले हैं गांव गए हुए थे। उसके बाद जब ये घर आते हैं तो पता चलता है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है। हर कुछ घर से हर कुछ वो कोशिश करते हैं कि जो जो जिसमें जिसमें दाम हो जिसमें कीमत हो जैसे जेवरात आभूषण वो सब लेकर जाते हैं और जो कैश मिलता है वो भी लेकर जाते हैं। और हमने दिखाया वो चीज भी दिखाया जो जो मतलब अब क्या कहेंगे उसको, वो बच्चे का चुक्का फोड़ कर भी उसमें जितने पैसे पड़े थे वो सब लेकर चले गए। माँ बता रही थी पिता बता रहे थे। और ये आप देखिए खुला एरिया, इधर से ही चोर आए हैं और पीछे के रास्ते से इस बाउंड्री से जहां मैं खड़ा हूं इससे चढ़कर दो ताला तोड़ा है उन्होंने। दो ताला तोड़कर अंदर घर में प्रवेश करते हैं और हर कुछ कोशिश करते हैं कि जो कुछ मिल जाए जी सर सब कुछ लेकर चले जाए जी सर। जी सर आराम से इत्मीनान से। और आपको लगता है कि बहुत समय दिया है? बहुत समय सर, मेरे को लगता है कि सर कम से कम 7-8 घंटा बैठ के आराम से किया होगा सर। 7-8 घंटा आराम से बैठ कर क्या क्या लगता है कि रिकवरी को लेकर क्या लगता है, मतलब बहुत घटनाएं घट रही हैं हजारीबाग में इस तरीके की? सर घटना तो इसीलिए सर मैं बोल रहा हूँ, अगर 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 यहाँ पर अगर सर पेट्रोलिंग हो रहा है, सर पुलिस रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही है, तो सर कैसे ऐसे हिम्मत हो सकता है कि सर कोई किसी के घर में घुस जाए? सर बहुत इत्मीनान से हो रहा है इसलिए भी आप बोल रहे हैं जी सर। अब तो डर इस बात का भी है ना कि अब आदमी अब घर छोड़कर नहीं जाएगा? अब वही सर, अभी हम लोग ये दुविधा में है सर कि अपना पिताजी का सर श्राद्ध कराएं या अपना घर बचाएं सर। इधर देखिए दुखद है, बहुत दुखद है। अब पिताजी का भी अभी हमको लगता है कि कौन सा दिन है ये चौथा छठा है सर? छठा दिन है तो कम से कम 12 दिन तक तो आपको मतलब उस पूरे प्रक्रिया में रहना ही पड़ेगा जो करना पड़ता है जी सर। इस बीच में ये घटना हो गई है, थाना पुलिस करना पड़ रहा है जी सर। अब यहाँ से आप कब जाएंगे गांव, फिर कब जाएंगे गांव सर? अब एक दो दिन तो सर यहाँ रुकना ही पड़ेगा अभी इसको समेटने के लिए सर। अभी बच्चे वहाँ गाँव पर है, बच्चे गाँव पे वहाँ अकेले है सर, उधर मम्मी अकेले है सर वहाँ पे। देखिए बहुत दुखद घटना है उस घर में जहां पर तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे। अब सवाल ये है कि हजारीबाग में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, दुकान में चोरी हो जा रहा है, तो क्या दुकान वाले अब दुकान में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? अब जब घर जो है घर वाले घर नहीं छोड़े, कहीं बाहर नहीं जाए घर से, क्योंकि घर बंद था तभी चोरी हुई। इससे पहले आप कभी नहीं गए थे? नहीं सर, घर में कोई ना कोई रहता ही था जी सर। जी सर इसीलिए सर, क्योंकि हम लोग को भी पता था कि सर इस एरिया में बहुत चोरी हो रहा था, किसी का सर रात में अगर मोटर उठ जा रहा है सर, इतने मतलब छोटे छोटे चोर हैं सर यहाँ पे कि जो कोई सरिया का घर बना रहा है तो सरिया काट के ले जाते हैं सर, उसके जितना दिन का जितना ढलाई हो गया ठीक है, नहीं जो लास्ट जो सरिया बच गया उसको काट के ले जाते हैं। डर नहीं है किसी? डर का मतलब ही नहीं है सर, डरते नहीं है? नहीं ना, मतलब कोई की पेट्रोलिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो कोई डर नहीं? कोई नहीं डर सर, अगर इतना डर होता तो सर इतना इत्मीनान से चढ़ के थोड़ी करता सर। ठीक है, बाकी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। उस घर की तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें हर तरीके से तकलीफ है, पिता के जाने का तकलीफ है, उसके बाद चोरी हो गई है, बाकी ऐसे ही कुछ ना कुछ जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर जागरूक करने के लिहाज से भी इस खबर को आप देखिए कि थोड़ा सेफ्टी रखिए। सीसीटीवी को लेकर सवाल पूछेंगे, सीसीटीवी नहीं है? थोड़ा लग रहा है कि सीसीटीवी नहीं है तो उसकी वजह से जी सर, अगर सीसीटीवी, बहुत अफसोस हो रहा है सर कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर हम एक सीसीटीवी लगा देते तो हो सकता कि सर आज हमें पता चल जाता कि कौन, क्लू मिल जाता, जानकारी मिल जाती। जी सर तो सीसीटीवी भी आप लगा सकते हैं, कोशिश करिए कि सुरक्षा के जो इंतजाम है उसमें कुछ कड़ियां आप जोड़ लीजिए, सीसीटीवी लगवा दीजिए। अब जो हालात है उस लिहाज से तो घर छोड़कर आप नहीं जाइए हजारीबाग में, वो स्थिति बन गई है। अब दुकान के लिए क्या बोले, वो तो लॉजिकल है ही नहीं कि भैया आप दुकान में ही 24 घंटे रहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठेगा क्या दुकान में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दुकान भी खाली हो जा रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहें, मिलेंगे फिर।